हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करना, ठीक है। अब रिलेशन और फंक्शन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में सेकंड चैप्टर था जो हमारा, वो दे रखा था आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में। अब उसी से कुछ आगे पढ़ेंगे हम रिलेशन और फंक्शन में। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम इसका। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज, एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन दे रखा आपको आर, आर मीन्स एक रिलेशन है, फ्रॉम इस नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो खाली नहीं है, सेट ए, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, एक सेट बी से, एक सेट ए से एक सेट बी पे एक रिलेशन है, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि एक सबसेट है किसका, एक कार्टेशियन, इन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही भी आएगा। एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी ए क्रॉस बी है जब उसके अंदर जो सबसेट्स आते हैं उन सभी का ए से बी के ऊपर कोई रिलेशन होता है, दस ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में भी तो यही लिखते हैं हम कि इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट। अब हमारे पास कोई एलिमेंट ए बी आ गया तो ये भी तो क्या है, एक रिलेशन है कि ए से बी पे रिलेशन है, ये डोमेन है और ये रेंज है इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी मीन्स हमें पता चल रहा है नाम से ही, एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली, खाली, एक ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल खाली है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एक सेट है हमारे पास ए, उससे के ऊपर जो रिलेशन है उसको हम कब बोलेंगे एम्प्टी और वॉइड, इफ आर बिलोंग्स टू फाइव, कि ए क्रॉस ए, ए की ए से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, कोई भी रिलेशन आए फाइव आ जाए। आइदर ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए हमारे पास कैसा सेट होगा, खाली सेट होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का कोई भी एलिमेंट है वो ए के साथ रिलेटेड नहीं है, तब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी क्या होता है, खुद की आइडेंटिटी। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। एक रिलेशन आर को सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, इफ कब, जब ए ए दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं आर से, मीन्स किसी के अंदर वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर सेम एलिमेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और जो ये ए है ये जो हमारे पास सेट ए था उसके अंदर उसी से बिलोंग करेगा। दूसरा इसके नोटेशन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ए, इसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए, आई ए। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल वो रिलेशन होता है जिसके अंदर हमारे सभी एलिमेंट्स आ रखे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी के अगर सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब उसी को हम, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन है आर किससे, सेट ए से, इफ कब है, आर रिलेशन जो हमारे पास दे रखा वो ए क्रॉस ए, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो आता वो क्या है हमारे पास, एक रिलेशन है। आइदर इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सभी एलिमेंट्स ए से ही रिलेटेड हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, कि यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर दे रखा आपको जो सेट ए के ऊपर है रिफ्लेक्सिव, इफ कब, ए ए बिलोंग्स टू आर, अगर वही एलिमेंट उसी से बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव, वो अगर रिलेशन से बिलोंग करता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आइदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ और ए रिलेटेड टू ए,
ए का रिलेशन है ए के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लिए सेट ए के अंदर हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट लेके चल पड़े 1 2 3, तो उनका जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 ऐसे दे रखिए, मान लिया आपको ये दे रखा है। इसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोल देंगे, जब उसी सेट उसी का सेम एलिमेंट है, तो 1 की 1 ये दोनों हैं, फिर 2 2 3 3 सभी एलिमेंट्स का हमारे पास उसी का एलिमेंट का उसी से रिलेशन है, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, मींस जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी खुद से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इट्सेल्फ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन आर इन इस सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। आर को हम एक सेट ए के ऊपर सिमेट्रिक बोल देंगे, कब, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर उसके अंदर दो एक एलिमेंट है ए और बी, दोनों हमारे पास किससे हैं, सेट ए से, ए बी बिलोंग करता है आर से, और बी ए इसी का रिवर्स हो गया बिलोंग करता है आर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और जो ए और बी हैं जो हमारे पास नंबर, वो दोनों बिलोंग करते हैं ए से, इसको हम क्या बोल देंगे, इधर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक। आपको एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, एक बार ये पढ़ के देख। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर इन, एक रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव होगा कब, ए सेट ए, एक सेट ए पे इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ, कब, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, देन एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी से बिलोंग्स टू ए, और ए बी सी है वो तीनों के तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, ए सी। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन इस सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन आर को हम सेट ए के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, कब, इफ ए इज, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर जो रिलेशन दे रखा है आपको वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल से देखते हैं, हम एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिलेशन, रिलेशन हमारे पास आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 6 1 1 1 हो गया ना, 2 2 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, इसी तरह से हमारे पास एलिमेंट चलते रहेंगे, ठीक है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे। अब देखो इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तीनों चीज़ें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर उसके एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब खुद के साथ है कैसे, जैसे 1 1 है, 2 2 खुद तो यही है ना, वही एलिमेंट, 3 3 4 4 ये किससे बिलोंग करते हैं, आर से, रिलेशन के अंदर दिए हुए हैं, और जो 1 2 3 4 है वो भी किससे बिलोंग करता है, ए सेट ए से, वो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, तो हमारे पास क्या बोल देंगे हम इसको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है और वो सभी के सभी किस में दिए हुए हैं, रिलेशन में दिए हुए हैं, 1 1 का भी है, 2 2 का भी, 3 3 का और 4 4 का, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमारे पास क्या आएगा, एक रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे, कब, जब हमारे पास ए बी बिलोंग करता है, ए बी मीन्स हम कोई भी लेके चल पड़ेंगे, जैसे
इसके अंदर एक दो एलिमेंट्स और डाल देती हूँ मैं, जैसे चलो इसी से प्रूव करके दिखाते हैं। देखो अगर 2 3, हमारे पास 2 3 है, वो बिलोंग करता है आर से। एक एलिमेंट हमने क्या लिया, 2 3 बिलोंग करता है आर से। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2, वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। कंपल्सरी होता है ये, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिक। अदरवाइज अगर ये कंडीशन है बट ये अप्लीकेबल नहीं होती तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, नॉट ए सिमेट्रिक, कि वो फंक्शन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। और थर्ड हमारे पास जो आता है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट रिलेटेड है सेकंड से, सेकंड रिलेटेड है थर्ड से, देन फर्स्ट रिलेटेड है थर्ड से। जैसे 1 2 1 2 हमारे पास है 2 से, और फिर 2 का और 3 का देख लेते हैं हम। 2 और 3 है, वो भी बिलोंग करता है आर से। अब देखो 1 2 बिलोंग करता है आर से, 2 3 बिलोंग करता है आर से, तो 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। यही तो कंडीशन है कि 1 3, अब 1 3 देखो बिलोंग करता है, करता है बिलोंग 1 3 भी, तो ये भी बिलोंग करता है आर से। देन रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव, तो हम क्या बोल देंगे कि कैसा है ये, ट्रांजिटिव है कि फर्स्ट बिलोंग करता है सेकंड से, सेकंड बिलोंग करता है थर्ड से, देन फर्स्ट और थर्ड भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन जो आप एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।